एंड डायरेक्टर एंड द राइटर ऑफ कोर्स, ये तीन पिलर्स जो जिन्होंने हेल्प की और इस कैरेक्टर को लाने में मेरी मदद की। आपका किरदार की बात करें तो बहुत सस्पेंस वाला आपका किरदार है। जी हाँ, कि आप पब्लिक की तरफ है या उसकी तरफ है, तो क्या कहना चाहिए? ये सस्पेंस पब्लिक खुद जाके देख के खोले तो अच्छा है, वरना स्पॉइलर होगा। मुझे मजा आया क्योंकि ऐसे किरदार आसपास में अपने कुछ एक देख चुका हूँ जो आपके लिए तो बहुत अच्छे होते हैं, लेकिन वो अंदर क्या कर रहे होते हैं, उनके दिल में क्या चल रहा होता है कभी पता नहीं चलता, और वो लास्ट तक नहीं पता चलने देते हैं कि वो है किस तरफ, और वो जब जिस तरफ पलड़ा भारी होता है उस तरफ वो बैठ जाते हैं। तो ऐसा ग्रे कैरेक्टर मैंने मेरी लाइफ में शायद अभी पहली बार किया इतना सारा काम करने के बाद, तो ये एक अलग किस्म का चैलेंज था। तो बेहतर होगा कि ऑडियंस जाके देखे और फिर देखे, पता लगेगा। देखिए फिल्म तो काफ़ी खास है क्योंकि ये कहानी कभी किसी ने बताई नहीं, किसी ने सुनी नहीं असम के बारे में। असम में ये असलियत में हुआ लोगों के साथ, लेकिन किसी ने कभी किसी को बताया नहीं, और ये दिस इज़ वेरी सैड। और लेकिन अभी वो वक्त आ गया है कि हमने हमारी फिल्म के जरिए असम की कहानी बताई, ताकि पूरे इंडिया के लोग इस कहानी के बारे में जाने। सिर्फ इंडिया के लोग ही नहीं, पूरे दुनिया में ऐसे हादसे हुए हैं, और जब दुनिया के लोग ये फिल्म देखेंगे वो बोलेंगे अरे यार ये हमारे साथ भी हुआ, ये तो बहुत बुरा हुआ। तो वी आर हैप्पी दैट वो ये असम के साथ जो हुआ। असम बहुत खूबसूरत जगह है, बहुत ज़्यादा खूबसूरत जगह है, लेकिन ये जो डार्क चैप्टर है उनके इतिहास में हमने दिखाया हमारी फिल्म के जरिए। होपफुली आपको पसंद आए। और मेरा कैरेक्टर क्या बताऊँ सर, मैं तो बहुत बुरा आदमी हूँ इस फिल्म में, बहुत बुरा आदमी हूँ। जो भी सामने खड़ा है साला, मैं बातें नहीं करता हूँ, बंदूक उठाता हूँ ढाए 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 और सीधा खल्लास, ऐसा करैक्टर मेरा। डायलॉग शायद इतने ज्यादा नहीं, लेकिन मारा बहुत लोगों को मैंने, जो असलियत में बुरा है लेकिन खेलने में मेरे को बहुत मजा आया। क्या अच्छा लगा फिल्म में, क्या है? एक बहुत बड़ी घटना घटी थी असम में 2000 से 2001 के आसपास, उसके बारे में जानकारी लोगों को नहीं थी आउट ऑफ असम, तो अच्छी बात है। ये फिल्म को देख के मतलब आप अंदर से एकदम रोंगटे खड़े हो जाते हैं, वैसी कुछ फीलिंग आया आपको? ऐसी बहुत फीलिंग आई, क्योंकि वहाँ इतना पता नहीं चला हम लोगों को, कई लोगों को, तो उनके लिए तो फिल्म देखनी चाहिए तो समझ आएगी कि क्या क्या हो चुका है। टेलीविजन किधर भी अच्छा नहीं है, तो उसके लिए फिल्म बनी है। कलाकारों ने बड़ा अच्छा काम किया, सब कलाकारों, डायरेक्शन भी अच्छी और फिल्म अच्छी बननी है। एक संगीत गाने एक दो गाने अच्छे हैं, मैं दूंगा 3.5 स्टार्स। थैंक यू सो मच। आई लव द मूवी, इट वाज रियली नाइस, वेरी वेल रिटन, वेरी वेल एक्टेड। इट वाज जो दिखाना था वो एकदम बहुत अच्छे से दिखाया। इट वाज रियली नाइस। या डेफिनेटली डेफिनेटली आई वुड से इट वाज रियली हार्टफेल्ट। या बहुत ही बढ़िया लगी फिल्म। ये हमारे देश की ऐसी हिस्ट्री है जो कभी किसी के सामने आती नहीं है। ये ऐसी फिल्में जो हैं जो उनको आगे ला के आपको दिखाती है सच्चाई क्या है, कैसे कौन से प्रदेश में। दिस इज अ सेकंड काइंड ऑफ फिल्म विच आई हैव सीन विच एक्चुअली शोइंग द ट्रुथ। हमको इस चीज़ को बढ़ावा देना चाहिए। आई थिंक द गवर्नमेंट ऑल्सो शुड सपोर्ट सच फिल्म्स विद सम काइंड ऑफ अ सब्सिडी और सम काइंड ऑफ अ दिस। पार्ट तो ऐसा है ना कि जिसके अंदर एक बच्चा बेचारा पढ़ने की कोशिश कर रहा है इंजीनियरिंग, और आज उसकी पूरी फैमिली वाइप आउट होने की वजह से ही हैज टू टर्न टू मिलिटेंसी। उसके बाद सर चॉइस क्या है, और ये काफ़ी लोगों के ऐसे साथ हुआ है, तो इट्स अ ट्रुथ विच हैज टू बी शोन। डेफिनेटली डेफिनेटली, बट विदाउट द सपोर्ट ऑफ द गवर्नमेंट और द राइट दिस विल नॉट वर्क। द गवर्नमेंट हैज टू सपोर्ट दिस काइंड ऑफ यू नो मूवीज so that they can come out in the open and the truth is prevailing. Okay, out of 5, how many stars would you like to give? This is a 5-star movie. Thank you. आपको कैसा लगे movie? बहुत अच्छी है, emotional है, और end तक पकड़ के रखती है, बहुत अच्छी है। Okay, आपको इनके जो actors हैं उनके फिर काफी कैसे लगे? ये जो villain है उनके बहुत अच्छी, last तक पकड़ के रखती है। Okay, 5 में से कितने stars देना चाहेंगे? हम लोग 4. Okay, thank you so much. Unfortunate लगा मुझे जो reality है, and it's a very grim reality. Shadows, it's a very apt name for it, that the culprits जो हैं वो उन्हें culprits भी नहीं कह सकते, basically वो खुद उससे निकले हुए लाचार लोग जो हथियार आदमी उठा लेते हैं।
एंड आई फील दैट इट इज़ अ वेरी वेरी सैड रियलिटी योर सिस्टम एंड एवरीबडी फ्रॉम पॉलिटिशियंस एंड एवरीबडी हैज टू एक्चुअली टेक अ स्टेप अहेड यू नो इसमें कौन क्या कर रहा है एक दूसरे पे ये लगाने का कि इसमें सब कुछ जुड़े हुए हैं और सारी पॉलिटिक्स है सॉल्यूशंस तो हर चीज़ के निकलते हैं मुझे लगता है सो आई थिंक इट्स अ वे अहेड कि इतना सेंसिटिव इशू लिया गया है पर इसकी लाइफ के सॉल्यूशंस भी निकले इतना मज़ा है अच्छी लगी है या बुरी लगी ये मायने नहीं रखता एक गट्स होना चाहिए ऐसी फिल्में बनाने पर ऐसी फिल्म बनाने के बाद जो फिल्म आपको सोने नहीं देती या जो फिल्म आपको सोचने पर मजबूर करती है उनमें से ये एक फिल्म है फिल्म छोटी या बड़ी नहीं होती फिल्म अच्छी या बुरी होती है कोई मीन्स कई ऐसी फिल्में होती है जो बहुत अच्छी होती है लेकिन हम उसको देखते नहीं उसको सराहते नहीं उनको सपोर्ट नहीं करते मैं आप सबसे यही दरख्वास्त करूंगा कि आप सब लोग इस फिल्म को देखिए अच्छी फिल्में बननी चाहिए समाज में जो परिवर्तन लाने वाली जो फिल्में होती हैं उनको हमें देखना चाहिए सपोर्ट करना चाहिए आई एम वेरी मच हैप्पी और मैं मीन्स मैं शुक्रगुजार हूँ कि ऐसी फिल्म मुझे देखने को मिली है शायद इस सो कॉल्ड ग्लैमरस एंटरटेनमेंट की दुनिया में ये फिल्में शायद मुझसे छूट जाती तो मुझसे बहुत बड़ी गलती हो जाती लेकिन आई एम थैंक्स टू एवरीवन कि ऐसे फिल्में बनाते हैं हमें बुलाते हैं दिखाते हैं हमें सपोर्ट करते हैं कि ऐसा कुछ बनाने के लिए हमें मजबूर हमें इंस्पायर करती है सो आप सब लोग इस फिल्म को देखिए इस फिल्म को सपोर्ट कीजिए आई एम गोइंग टू ट्वीट मैं जितना हो सके मेरे सर्कल में जो है इस फिल्म के बारे में बोलूँगा और लोगों को इंसिस्ट करूँगा कि ये फिल्म जरूर देखें थैंक यू इट्स नॉट अबाउट 5 or 6 or 7 आई जस्ट सेड कि दिस इज अ डिस्टर्बिंग फिल्म मैं उसके कोई मायने नहीं है मैं तो बोलूँगा कि 5 में से मैं 10 देने की बात करूँगा सच ए नाइस सच ए गुड फिल्म एंड सच ए नाइस परफॉर्मेंस बाय एवरीवन डायरेक्टर तो बहुत बड़े महान है 2 बार नेशनल अवार्ड विनर है लेकिन एक जिगरा होना चाहिए कि जब आपको 2 नेशनल अवार्ड मिलते हैं तो सब लोग बड़े स्टार्स के पीछे भागते हैं बड़े प्रोडक्शन हाउस के पीछे भागते हैं कि मुझे अब बड़ी फिल्म बनानी है मुझे ग्लैमरस दुनिया में आना है लेकिन ये असली डायरेक्टर जो सिनेमा बनाते हैं जो एंटरटेनमेंट के लिए नहीं तो कुछ कहने के लिए फिल्में बनाते हैं सो इट्स नॉट अबाउट द स्टार्स वेरी पैशन मैं बहुत दिल से कह रहा हूँ बहुत अच्छी थी रियल तो अच्छी मेरे को डायरेक्टर का काम बहुत अच्छा लगा और अब तो मालूम ही नहीं पड़ा पिक्चर कैसे शुरू ही इंटरव्यू हो गया सेकंड हाफ थोड़ा लेंगी था थोड़ा मगर पिक्चर बहुत अच्छी है लोगों को देखनी चाहिए और लोग ऐसी पिक्चर देखेंगे तो ऐसी पिक्चर और बनेगी और लोग मतलब ग्लैमर के विषय में भागते हैं मगर ऐसी पिक्चर देखना बहुत जरूरी है मैं खुद देख के बहुत हैरान रह गया किसी मेरे नाम देख के तो नहीं आता था तो पिक्चर देख के मेरे को अच्छा लगा मैं लोगों को बोलूँगा आने के लिए और लोग आएंगे पिक्चर देखने के लिए जो अपने ग्रुप है सब दोस्त के यार को बोलूँगा पिक्चर देखने के लिए और इसी तरह लोग माउथ तो बिजी बहुत अच्छी हो 5 में से 3.5 मुझे मूवी बहुत ही टचिंग लगी बिकॉज आई एम फ्रॉम असम और उस पीरियड में मैं पली बड़ी हुई हूँ वहाँ पे और ये हुआ था हम सब इसके एक पार्ट है मे बी मेरी फैमिली में कोई नहीं था बट एवरीबडी समहाउ इट हैज टच्ड आवर लाइव्स एंड दिस इज व्हाट इट एग्जैक्टली हैपेंड एंड दिस फिल्म शोड इट विदाउट मिंसिंग एनी वर्ड्स आई वुड से एंड आई रियली लव्ड इट एंड आई होप पीपल इन असम और एनीवेयर इन एनी अदर पार्ट ऑफ इंडिया ऑल्सो शुड सी इट एंड actually see it what happened exactly in his heart so do you think it has actually portrayed the thing it happened exactly it did happen that way and that's what I said without mincing any words it showed what exactly had happened okay out of 5 how many stars would you like to give 5 ye achhi film thi aur ek cheez nazar aayi ki is film mein mujhe yathart aur sach dikha aur aasan dikha जिस तरीके से चीज़ों को दिखाया गया और वहाँ के जो आर्टिस्ट जो टोन उन्होंने पकड़ा था मुझे नहीं लग रहा था कि काफ़ी बाहर के लोग होंगे लेकिन उनकी जो टोन थी जिस तरीके से खाना पीना दिखाया जा रहा था तो लग रहा था कि हाँ एक आसाम को देख रहे हैं और आसाम में जो हुआ है सच्चाई है
लेकिन हम लोग काफ़ी उस चीज़ से अवेयर नहीं थे. हम लोग क्या है, अगर एज ए पब्लिक हम लोग टी वी पर देखते हैं, न्यूज़ में देखते हैं, चलो ठीक है उससे ज़्यादा. लेकिन सर ने आगे आके इस मुद्दे को उठाया और फिल्म बनाया, ये अपने आप में काफ़ी चीज़ बयान. So you feel it portrayed the right justice to the incident का जस्टिस तो मैं नहीं कहूँ, लेकिन जो चीज़ों को सच्चाई लाना अपने आप में एक बड़ी चीज़ है. और जो लोग इस दुनिया में है नहीं अब जिनको, उनके साथ क्या जस्टिस हो सकता है, उन्होंने तो अपना हाँ ये चीज़. हम जैसे आप कश्मीर फाइल्स को ले लो, अब जो लोग गए हैं वो आ नहीं सकते, लेकिन उनको एक चीज़ हमारे तरफ से एक सच्ची श्रद्धांजलि है कि हम उन सच्चाई को लेकर आएँ और जनता तक लेकर आएँ. पब्लिक डोमेन में कोई चीज़ सच्चाई लाना अपने आप में एक बड़ी बात है. और मैं प्रोड्यूसर को काफ़ी धन्यवाद देना चाहूँगा जिस तरीके से डायरेक्शन किया गया है. मैं काफ़ी अच्छा लगा और जिस तरीके से हर कलाकार ने अपनी भूमिका निभाई है वो लिटरली बता रहा हूँ काबिले तारीफ है. जैसे आकाश सर हैं, अनुराग सर, काफ़ी मेरे को अच्छा लगा. हर एक छोटे छोटे कैरेक्टर ने भी जिस तरीके से वो जान मतलब डाला है स्पेस में, मेरे को अच्छा लगा. थैंक यू. इट्स अ वेरी नाइस स्टोरी, नाइसली टोल्ड, दैट्स ऑल आई वुड से. एंड आई थिंक इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट फिल्म. People should watch it. Okay, how many stars would you like to give? Out of 5? I'm personally biased. I'll give 6 out of 5. I could. But it's a very nice film. Yeah. It's very good. और एक परफॉर्मेंस है, बहुत अच्छा है, डायरेक्शन अच्छा है, स्क्रीन प्ले अच्छा है. और आसाम का जो प्रॉब्लम था उसके बारे में पता चलता है, एक अच्छा पर्सपेक्टिव मिला उससे. काफ़ी हद तक बताया गया कि किस तरह से हुआ, क्या हुआ, सजेस्टिवली काफ़ी ठीक से बताया गया. 5 में से कितने स्टार्स होना चाहिए? मैं 4 स्टार होना चाहूँगा. थैंक यू.